हेलो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे लगाने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, प्रूफ ही करना है। और प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिया गया है कि ये हमें एग्रीमेंट दिया गया है और इसको सॉल्व करके ऐसा बनाना है। ठीक है, तो अब देखें कि आप कैसे इसमें क्या करेंगे कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब वो कुछ सोचते हैं। तो अब हमेशा जब भी डिटरमिनेंट प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से लेफ्ट को तवज्जो मत दो, लेफ्ट हैंड साइड को तवज्जो मत दो, राइट हैंड साइड को आराम से देखो, ध्यान से घूरो इसे, देखो 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 ध्यान से क्या लिखा है, क्या लिखा है आपका। यहाँ पर लिखा है a1 a² b² c² हमारे पास सिर्फ दो मेथड होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप सिर्फ दो तरीके से इसे वन शॉट में करना चाहो तो कर सकते हो, अगर बनेगा तो, अगर नहीं बनेगा तो फिर कुछ देर तरीका सोचा जाएगा। पहले आप सभी रो को जोड़ो किसी में, क्या ऐसा बन रहा है क्या, सभी रो को कि जोड़ो आप, देखो ऐसा कहीं बन रहा है क्या, नहीं। अच्छा, सभी कॉलम को आप जोड़ो, सभी कॉलम को आप जोड़ो, देखो ऐसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया है कि यार अब हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं देखो ध्यान से इसमें देखो, ज़रा देखो ये देखो, ए ए ए यहाँ पे, बी 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 यहाँ पे, सी सी सी, इसका मतलब क्या हो गया, आर वन से आपने क्या लिया, लिख लो R1 से क्या कम लो, ए R2 से बी, और R3 से, और R3 से सी को कामन लेते हैं, कामन लेने पर। ठीक है, कामन लेने पर, ठीक है, ज़रा कामन लो, देखो आपके पास क्या मिलेगा, इत्मीनान से आप लिख लो यहाँ पे। तो आपके पास मिलेगा यहाँ पे R1 से आपने ए कामन लिया, तो ए यहाँ बनेगा 1/a, यहाँ पे ए, समझ रहे हो आप, यहाँ पे ए, यहाँ पे 1/a, यहाँ जब कामन लिए तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बी, यहाँ से आपने निकाला यहाँ बनेगा सी, यहाँ से आपने बी कामन लिया तो यहाँ जब आप बी निकालोगे तो यहाँ बनेगा ए, यहाँ पे बनेगा बी, यहाँ पे बी, सॉरी बी प्लस 1/b, यहाँ बनेगा सेम गोल, यहाँ पे क्या बनेगा सी, यहाँ आपने क्या कामन ले लिया सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा सी, सी का मैंने सॉरी 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 ए, यहाँ से आपने सी निकाला है तो बी, यहाँ आपने सी निकाला है तो सी तो एक बचा ही, और 1/c। अब कुछ नहीं करना है अभी, अब क्या करना है, इस ए का मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना है, C1 में मल्टीप्लाई कर दो आप, और इस बी का मल्टीप्लाई C2 में कर दो, और इस सी का मल्टीप्लाई आप कहाँ कर दो, C3 में, समझ रहे हो आप। तो देखो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कॉमन भी ले लिया आपने, मल्टीप्लाई भी आपको करना होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए साहब क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर हो गया है, ये तो a+1, ज़रा देखो ध्यान से, क्योंकि 1 से a से कट जाएगा एक बार, और तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पे a² होगा, माई बैड। ठीक है, अच्छा आपने इसी कॉलम में a² से मल्टीप्लाई किया, a² इसमें आपने क्या, इस कॉलम में b से मल्टीप्लाई किया तो b² b² + 1, यहाँ बनेगा b², यहाँ आपने कैसे मल्टीप्लाई किया c से, c² c² और c² + 1। ठीक है, इतना आपके पास हो गया। तो ध्यान देखिए अब क्या करना है बच्चे लोग, अब कुछ नहीं, आराम से आपको क्या करना है कि इसे किसी एक कॉलम में, किसी एक रो क्या करो, सब में क्या कर लो, इनको ऐड कर लो। देखो क्या कर लेते हैं, कॉलम में तो करेंगे ना, रो में तो नहीं करेंगे, सॉरी कॉलम में करेंगे, तो ये ऑपरेशन में गलत लिख दिया हूँ शायद, हाँ गलत है। मुझे क्या करना है, C1 में क्या करना है, C1 + C2 + C3, हमें तो क्या मिलेगा, 1 + a² + b² + c² यहाँ मिलेगा, वही होगा a² + b² + 1 + c² आप यहाँ पे भी देखोगे तो a² + b² + c² + 1, बाकी जनता तो आपको जानते ही हैं आप, यहाँ पे क्या करना होता है, कॉपी पेस्ट कर दें,
और बाकी क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं गया। सी स्क्वायर प्लस वन। अच्छा अब वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें क्या कर लें, कॉमन ले लें। वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन लें, आपको क्या मिलेगा, वन वन वन, यहाँ बनेगा बी स्क्वायर, यहाँ बनेगा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बी स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस वन। वन 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 क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, आप तो सबको पता, दुनिया को ये पता, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, बोलो बोलो बोलो, अब देखो अब क्या करना है आपको। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ नहीं, एक ऑपरेशन और लगाओ, आर वन में क्या करो, आर वन माइनस आर टू, और सिमिलरली आर टू में क्या ऑपरेशन लगाओगे, आर टू माइनस आर थ्री। तो आर वन में से आर टू घटा दो, ए वन में से वन जाए जीरो, यहाँ पे अपने क्या किया, देखो यहाँ पे अपने क्या किया, माइनस वन आपका आ गया, यहाँ आप घटाओगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा आर वन वो किसे घटा, आर टू में किसे घटाना, आर थ्री, आर टू में से आर थ्री घटाया तो यहाँ पे आ गया जीरो साहब, देखो यहाँ पे देखो, घटाओ घटाओ घटाओ, यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे घटाओ 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 माइनस एक, यहाँ पे आपके पास आ गया वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। लास्ट स्टेप है आपका, बस आंसर आपके पास आके तैयार है। करना क्या होता है साहब, इसी से खोल दो ऊपर वाले से, आपने किसे आर वन से क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो जब आर वन से आप एक्सपेंड करते हो तो आपको देखो ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मिलेगा। आर वन से मिड है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे जीरो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वन, तो होल थिंग बिकम क्या होगी वन। अच्छा सॉरी फ्रेम में नहीं आ रहा है, ओके फ्रेम में भी आ जाएगा, रुक जाओ अब देखो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे मिलेगा क्या, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपको लेके आना था, यही आपका आर एच एस था, तो हो गया काम, दैट्स इट।